नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बचपन में हम सब ने एक गीत सुना है, गुनगुनाया है कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हम सब के दिल के बेहद करीब ये गीत है, क्योंकि धर्म और मजहब तो बाद में आते हैं, पहले तो आती है इंसानियत। और जहाँ इंसानियत है वहाँ सचमुच कितना सुकून है, कितना आनंद है, कितना प्रेम है। यही संदेश सब तक पहुंचाते हुए हमारे बीच जो आज मेहमान पधारे हुए हैं, वो इसे पहुंचाते भी रहते हैं, पहुंचा भी रहे हैं। आप हैं नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला साहब, जो लखनऊ से हमारे बीच पधारे हुए हैं। आइए उनका अभिनंदन करते हैं और एक मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। यहाँ आप आकर के नवाब साहब कैसा महसूस कर रहे हैं? लखनऊ से आप यहाँ ब्रह्मा कुमारीज परिसर में आए हुए हैं और एक बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? देखिए, मुझे बड़ी खुशी है, 80th एनिवर्सरी में मैं शरीक हूँ और यहाँ पर आके एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो हम जन्नत का तसव्वुर करते हैं, क्या कुदरत ने जो जन्नत बनाई है वहाँ क्या होगा और कैसा होगा, वो ब्रह्म कुमारीज के ज़रिए से मुझे आके यहाँ आबू में इस कॉन्फ्रेंस में नज़र आ रहा है। हर शख्स जो है वो बहुत ही सुकून से है, हर एक के लबों पर मुस्कुराहट है, दिल उनका नर्म है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत है, खिदमत का जज्बा है। यहाँ पर कोई इंतज़ाम करने वाला ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि कोई हुक्म दिया जा रहा हो। 10,000 लोग हैं, न कोई पुलिस है, न कोई डंडा है, न कोई सीटी है, सेल्फ डिसिप्लिन है और हर शख्स ये महसूस कर रहा है कि वही ऑर्गेनाइज़र है। जब हम सुबह नाश्ते के लिए जाते हैं या लंच और डिनर के लिए जाते हैं, जो सर्विस मिल रही है, जो खाने के लिए ग़िज़ाएँ मिल रही हैं, जिस तरह से लोग खिदमत कर रहे हैं, खाने में ज़ायक़ा भी है, वो मोहब्बत भी है, वो जज्बा भी है और वो श्रद्धा भी है। तो यहाँ पर देखने से ताज्जुब होता है कि क्यों और कैसे ये हो रहा है। एक चीज़ समझ में ये आती है कि इसमें रूहानियत शामिल है और ये कुदरत की तरफ से ये इंतज़ाम हो रहा है जो कि इंसान कर रहा है, लेकिन उसमें जो एक ताकत है वो रूहानी है। हर चीज़ अपने वक्त से हो रही है जी, हर चीज़ वैसे ही हो रही है जैसे इंसान चाह रहा है। और इतना बड़ा एक कॉम्प्लेक्स ऑफ आर्किटेक्चर, मैंने कहीं पर गंदगी का कोई शोभा नहीं देखा, कोई इधर उधर कागज़ पड़ा हुआ नहीं देखा, टॉयलेट्स एब्सोल्युटली क्लीन, खाने के बर्तन साफ और शफाफ, हर जगह ठंडा पीने का पानी, कन्वीनियंस के लिए आपके हर जगह पर सहूलतें, तो क्या चाहिए है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है कि अगर ब्रह्म कुमारीज एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इस जज्बे के तहत इतना कुछ कर सकते हैं और 137 कंट्रीज में फैले हुए हैं जी, और हर जगह वैसे ही हो रहा है, तो ग्लोबली ये जो कत्ल वारत हो रहा है, ये तशद्दुद है, इंसान इंसान की जान का दुश्मन है, उसका खून पी रहा है, उसको उड़ाए दे रहा है, लोग इबादत में मशगूल हैं, उनके ऊपर बम मारा जा रहा है, और हद तो ये है कि खुद अपने में बम बांध के अपने ही को उड़ाए दे रहे हैं। भाई, ये कहाँ की इंसानियत है? आप चाहते क्या हैं? ये भी कुदरत का एक निज़ाम है और कयामत जो हम बिलीव करते हैं कि आएगी, ये सब उसके आसार हैं जी जी, ये सिम्टम्स हैं। थॉमस डॉमस ने जो पेशिन गोइयाँ की हैं क़यामत से पहले, जुल्म, कत्ल वगारत, तशद्दुद, झूठ, करप्शन, ये सब अपने उरूज को पहुँचेंगे जी जी, और जब ये अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे होंगे तब वो वक्त आएगा, फिर से एक रामराज शुरू होगा जहाँ पर शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे, कलयुग का खात्मा होगा और सतयुग
शुरू होगा। जी 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 जी, बहुत सुंदर एक खाका नवाब साहब आपने खींचा है, और सभी धर्मों में इसकी बात अवश्य है। जैसे आपने कहा कि बिल्कुल जैसे ये दौर चल रहा है, लग रहा है कि सब चीज़ें अपने अति में पहुंच गई हैं, जैसे कि इंसानियत का ही कत्ल हो रहा है, और हर जगह हम देख रहे हैं कि अत्याचार, भ्रष्टाचार और पापाचार है। गीता में भी इसका वर्णन है नवाब साहब कि ऐसे ही वक्त पे जब बिल्कुल धर्म की ग्लानि हो रही होगी, तो इस अधर्म के विनाश के लिए उस ईश्वर का अवतरण होगा। तो आपको लगता है कि ये वही वक्त है जबकि सचमुच उस परमात्मा को अब सचमुच आकर के इस कलयुग को समाप्त करके सतयुग रचना चाहिए? देखिए, जहाँ तक कुरान में जिक्र है, 20th century तक का जिक्र है, और आखिरी में यह है कि क़यामत आना बरहक है, द डे ऑफ जजमेंट वुड बी देयर, क़यामत बरपा होगी, और ये वही वक्त के आसार और वो सिम्टम्स इतनी तेज़ी से नज़र आ रहे हैं कि बेटा बाप की इज्जत नहीं करेगा, लड़की जो है वो गुमराह हो जाएगी, जो हमारे सहीफ़े हैं, जो हमारी इबादत की किताबें हैं, उसकी लोग कद्र नहीं करेंगे, वो कूड़े और करकट में रद्दी में बिक रही होंगी, झूठ फरेब उसका बाजार गर्म होगा जी। तो ये अपने उरूज की तरफ पहुंच चुका है, और वही अभी जैसे मैंने अर्ज़ किया, वो वक्त आ चुका है कि हमारी ज़िंदगी में या हमारे बाद आने वाली ज़िंदगी में कभी भी ये मौका आ सकता है कि जब ये है कि इतनी गर्मी होगी, मालूम होगा कि आफ्ताब सवा नैज़े पर आ गया है, मतलब द सन हैज़ कम ऑन टू द हाइट ऑफ अ स्पीयर विच इज 1.25 ऑफ अ लेंथ। इंसान जो है वो मौत की दुआएं मांगेगा, उसको मौत नहीं आएगी, बेटा बाप को नहीं पहचानेगा, वर्ल्ड जुल्म की फना होगा और सतयुग शुरू होगा। मतलब एक सच्चाई की जीत होगी, एक नए युग की हक जीतेगा, जी जी जी, बातिल की शिकस्त होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और वो होनी ही है। अब जब एक ऐसे दौर में हम हैं नवाब साहब, तो आप क्या कहेंगे कि एक तरफ तो गुमराह हैं लोग, भौतिकता की ओर भागे जा रहे हैं, अब ऐसे वक्त में जबकि एक नूतन सृष्टि की ओर भी हमें बढ़ना है और ये सारी चीज़ें भी देख रहे हैं, आप लोगों को क्या कहेंगे कि किस प्रकार से अपने जीवन में धर्म और आध्यात्म को लाएं ताकि उनका भी जीवन सुकून से भरे और समाज में भी शांति की स्थापना हो? देखिए, ये है इंसान का अपना कैरेक्टर। बच्चा जो है अपने आगोश माँ के पेट में जब होता है, उसकी तालीम और तरबियत शुरू हो जाती है। बच्चे को कैसा माहौल मिलता है, साजगार माहौल मिल रहा है या नासाजगार माहौल मिल रहा है, वो हक और हलाल की रोटी खा रहा है या करप्शन की और उसकी रोटी, तो ये सब जीन्स में डेवलपमेंट्स होते हैं। बिल्कुल, जैसा कि बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि आप अपनी ज़बान मीठी रखिए। ये ज़बान जो है ये एक ऐसा आज़ा है जिस्म का, जिससे आप दोस्त भी बना सकते हैं और दुश्मन भी बना सकते हैं। यही वजह है कि ये जो सर है ये ज़बान से तो बहुत डरता है। गुस्सा जी, एंगर, मतलब ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आप काबू पा सकते हैं। आप अपनी ज़बान काबू में रखिए, अच्छी मीठी बोली बोलिए, दूसरों से मोहब्बत से पेश आइए, गुस्से पर काबू रखिए, थोड़ा नज़रअंदाज करना सीखिए, थोड़ी सैक्रिफाइस का जज्बा अपने पैदा कीजिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ब्रह्म कुमारीज इस तशद्दुद के माहौल में किस तरह का एक माहौल मोहब्बत का बनाए हुए हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही, इंडिविजुअली अगर हर इंसान थोड़ी सी तरमीम अपने मिजाज में करे, अपने ईगो को काबू में रखिए, जो अना है ये एक बहुत बुरी शय है कि हमारी सुप्रीमेसी होना चाहिए। ठीक है, आपकी सुप्रीमेसी इल्म में हो, आपके अखलाक में हो जी, आप दूसरों से बेहतर इन चीज़ों में हैं जो कि अच्छी और पॉजिटिव हैं, नेगेटिव चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ों को आप दूर कीजिए, अच्छी बातों की तरफ रागिब होइए, वही अपने में लाइए और वही कोशिश कीजिए कि दूसरों के साथ ऐसी हो। ये जो बात आपने कही नवाब साहब कि हम ईगो है, एंगर है, ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं जो वातावरण को बहुत ही ज़्यादा दूषित कर देती हैं, पॉल्यूट कर देती हैं, व्यक्ति छोड़ना तो इन्हें चाहता है, दूर होना चाहता है, हो नहीं पाता। आप ब्रह्मा कुमारीज की चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज में जो ईश्वरीय ज्ञान दिया जाता है या फिर राजयोग का इल्म दिया जाता है, सिखाया जाता है, ये जो आध्यात्मिक और रूहानी चीज़ें हैं ये कितनी मददगार हैं इन नेगेटिविटी को, अंदर बैठे शैतानों को जीतने में? देखिए, जो रूह है
और रूहानी ताकतें हैं, ये रूहानियत जो है ये ग़िज़ा है। जैसे हमें जब भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं जी, वो हमारी वो भूख जो है वो खाना उसकी ग़िज़ा है। लेकिन इन सब बातों का जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उसकी ग़िज़ा है रूहानियत। वो रूहानियत कैसे आएगी? जब आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, मेडिटेट करेंगे, इबादत करेंगे। आप पूजा करते हैं, कोई किसी अंदाज में उसको याद करता है। जिसने आपको पैदा किया है, दो चीज़ें इंसान में होना चाहिए, एक तो सब्र है और एक है शुक्र। सब्र जो है दैट इज़ कंटेंटमेंट जी, और शुक्र जो है आप उसका अदा कीजिए कि जो आपको उसने दिया है। भाई आपकी जो एनाटमी है ये कुछ कम नेमत है कि आप अपनी आँखों से देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, चख रहे हैं, अच्छे काम के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं, अच्छे काम के लिए पैर बढ़ा रहे हैं, आपको लंगड़ा लूला अंधा काना नहीं किया, ये क्या कोई कम नेमत है जी? जो आपके लिए उसने नेमतें पैदा की हैं, हर नेमत जो है उसकी, हर उसका जो क्रिएशन है वो उसी को याद कर रहा है, उसी की माला जप रहा है, उसी की तस्बीह पढ़ रहा है जी। इंसान जिसको अशरफुल मखलूकात बनाया, जिसको अक्ल व फहम दिया, जिसको इंटेलेक्ट दिया, जिसको विजडम दी, वो इंसान के इंसान का दुश्मन हो रहा है, क्योंकि शैतान भी उसमें शामिल है। मीर अनीस ने क्या खूब फरमाया है, मीर अनीस वॉज अ कंटेम्प्री ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। 150 बरस पहले उन्होंने ये रूहानी रुबाई जो फरमाई है जी, कि गुलशन में सबा को जस्तजू तेरी है, बुलबुल की जुबां पर गुफ्तगू तेरी है, हर रंग में जलवा है तेरी कुदरत का, जिस फूल को सूंघता हूं बू तेरी है। क्या बात! तो ये जो कुदरत के करिश्मे हैं जी जी, अगर इंसान उससे इबरत हासिल करे और ये भी सोच ले कि जिसने ये नेमतें दी हैं वो हम पर कहर भी नाजिल कर सकता है, लम्हा भी नहीं गुजरेगा कि हम फना हो जाएंगे जी जी, तो अपनी ताकतों पर गुरूर ना करे, अपनी दौलत पर गुरूर ना करे, अपनी सेहत पर गुरूर ना करे, जो चीजें उसने अक्वायर की हैं जी उस पर कभी गुरूर ना करे। बिल्कुल, उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, अच्छी सिमत में, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करे। वही जो एनर्जी है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर इंसान पॉजिटिवली उसको इस्तेमाल करता है जी और हालात बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल, उसको नेगेटिवली ना इस्तेमाल करे और कभी गुरूर ना करे, क्योंकि जिसने हमें नवाजा है हमें फना और बर्बाद भी कर सकता है। ये दोनों चीज़ें हैं, और जो एक रूहानी बातें आप कह रहे हैं कि हम सब्र भी रखें अर्थात संतोष हो, शुक्र अदा करते रहें उस अल्लाह का, लेकिन कई बार व्यक्ति इन चीज़ों को भूल जाता है। सांसारिक आपाधापी में वो इतना भागा जा रहा है कि इनके लिए ये जो जीवन के सत्य हैं कि वो ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिवान है, जिसने सब कुछ हमें दिया है, कि हम शुक्र अदा भी करें और ये भी याद रखें कि एक दिन फना तो होना है, हमें जाना ही है, ये चीज़ें नवाब साहब व्यक्ति भूल सा गया है। इसीलिए मेरा प्रश्न यही था कि जैसे ब्रह्मा कुमारी से एक आध्यात्मिक ज्ञान दे रही हैं, रूहानी ज्ञान दे रही हैं, या फिर राजयोग सिखा रही हैं, इस ओर बढ़ना कितना आवश्यक है? हद से ज्यादा, अशद जरूरी है। मीर अनीस ने एक रुबाई और कही है जो हर इंसान के लिए एक सबक आमोज है। इंसान इस मिट्टी से बना है, पैदा हुआ है, इसी मिट्टी में अल्टीमेट मिल जाएगा। लाई हयात आए, कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। लेकिन कहा यह जाता है कि इंसान ना कुछ लेके आया था ना कुछ लेके जाएगा, वो लेके जाएगा जो उसने अच्छे काम किए हैं, जो उसका कैरेक्टर है, जो उसका अखलाक है, जो उसकी अच्छी डीड्स हैं, जो उसने मजलूमों की मदद की है, जो गरीबों को सहारा दिया है, जो जाबिरों से हक के लिए लड़ा है, अपनी सैक्रिफाइस दी है, वो उसके जब आमाल लिखे जाएंगे, जब उसकी बैलेंस शीट बनेगी, तब उसको रिवॉर्ड मिलेगा या उसको सज़ा मिलेगी। यानी सज़ा और जज़ा दोनों हैं, जन्नत अच्छे कामों के लिए और दोज़ख़ और जहन्नम बुरे कामों के लिए। जी, तो इंसान को ये सब चीज़ें एज अ फैंटसी नहीं लेना चाहिए। ये हकीकत है कि इंसान अगर अच्छे किरदार से, एक इंसान की हैसियत से इस दुनिया में उतारा गया है कि इंसान इंसान के साथ इंसानियत से पेश आए जी,
मोहब्बत से पेश आए, उसकी परवरिश करे। ये एक सुंदर परिभाषा है। मतलब वो जो रूप दिखाई देता है वो रूप नहीं लेकिन शांति और अमन की बात। एक चीज जो हमारे देश में भी खास करके नवाब साहब कई बार ये चीजें उठ करके आ जाती है, मैं ये चीज आपसे विशेष करके जानना चाहूंगा, ये जो धार्मिक संभाव है, एकता है, सदियों से हमारे बीच चली आती रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं शायद जो लगता है जो उकसाववाद पे, कट्टरवाद पे जोर देते हैं। एक धार्मिक संदेश, सभी में समानता, एकता और अपनेपन की आप किस रूप में देना चाहेंगे मैं सभी दर्शकों को? हम इश्क के बंदे हैं, मजहब के नहीं कायल, सजदे से हमें मतलब, काबा हो या बुतखाना। क्या बात है, बात सुंदर। मतलब एकता बहुत आवश्यक है। इबादत आप किसकी कर रहे हैं जी? को गॉड कह लीजिए आप, उसको ब्रह्मा कह लीजिए आप, अपनी सहूलत के हिसाब से उसने ट्रेडिशंस बनाए हैं जी, रीत और रवाज बनाए हैं, लेकिन जो उसूल होते हैं चाहे वो किसी मजहब के हों वो अटल होते हैं। उसमें फनाटिसिज्म नहीं होता, उसमें डिसिप्लिन होती है। जी 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 जी, चलिए ये एक बहुत सुंदर सी चीजें आपने बताई हैं। शुरुआत बहुत खूबसूरत की थी कि एक जन्नत के दीदार हो रहे हैं यहाँ पे, और हम सब चाहते हैं कि पूरी दुनिया ही जन्नत में तब्दील हो जाए। जन्नत तो है ही लेकिन संसार को भी हम जन्नत बनाएं, ऐसी एक हमारी चाहना रहती है। तो ये जो एक विशेष ध्येय लेकर के ब्रह्मा कुमारियाँ कार्य कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि हर एक शख्स क्या ऐसा करे जिससे इस संसार को जन्नत बनाया जा सके? देखिए, हर शख्स जो है इतना तो नहीं कर सकता, लेकिन इनसे एक सबक जरूर ले सकता है। कुछ अच्छाइयों की तरफ रागिब होता रहे जी, बुराइयों से दूर होता रहे, धीरे 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 वो शख्स जो है वो भी एक इंसान बन जाएगा और अच्छी बातें, अच्छे काम जी, अच्छी सोच उसमें भी डेवलप हो जाएगी। कोशिश करना जरूरी है जी जी जी। एक इंडिविजुअल जो है वो खास तौर से, एक कहावत यह है कि अगर आपने एक इंसान को पढ़ा लिखा दिया तो आपने एक इंडिविजुअल को सही किया जी, लेकिन अगर आपने एक लेडी को उसको इल्म दे दिया तो आपने एक पूरी नस्ल को इल्म दिया। बिल्कुल। तो ब्रह्म कुमारीज का ये एक ऐसा एग्जेम्पलरी एग्जाम्पल है ये कि लोग उसके नज़दीक आए, उनके काम को देखें, उनके जज्बे को समझें और खुद अपने को उसमें ढालने की कोशिश करें। और मेरे ख्याल से ये नामुमकिन है कि बदलाव ना हो, सिर्फ एक सोबत की जरूरत है जी, आके प्रैक्टिकली देखने की और समझने की जरूरत है, अपने में वो जज्बा पैदा करने की जरूरत है। और धीरे धीरे कितना ही बदकिरदार इंसान ना हो, जब उसके सामने अच्छाइयां होंगी और बुराइयों से गुरेज होगा जी, और उसको वो सामने नजर आएगा कि अच्छाइयों के क्या फायदे हैं और बुराइयों के क्या नुकसान हैं, तो खुद ब खुद इंसान जो है उसमें वो जो कॉन्शंस है उसकी तरफ से उसको आगे बढ़ने की एक तरह की लेलक होगी जाएगा और ये जन्नत की तरफ हम बढ़ पाएंगे, उसे रच पाएंगे। कौन सी एक विशेष चीज थी नवाब साहब जिसने आपको आने के लिए यहाँ प्रेरित किया, क्योंकि लंबे समय से आपको इनविटेशन मिलते रहे होंगे, लेकिन कौन सी एक खास चीज थी कि आपको लगा? देखिए, ब्रह्मा कुमारीज के जलसों में लखनऊ में मैं शरीक होता रहता था जी जी, और इससे पहले भी इनका जो कन्वेंशन हुआ था जब इनके इंटरनेशनल प्रेसिडेंट वहाँ के ऊपर आए थे, उसमें एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और तबादला ख्याल हुआ था, तो उसमें भी मैं शरीक हुआ था। उसके अलावा भी और जो इस तरह के फंक्शंस होते हैं कि जिसमें ब्रह्म कुमारीज भी हैं, हम लोग भी हैं और मजहब के भी लोग हैं जी, तो इस तरह के भी सेमिनार्स होते हैं। लास्ट ईयर भी मुझे इन्विटेशन था, मैं आना चाहता था लेकिन हमारी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने माजरत कर ली थी जी, लेकिन अब की मैंने ठान लिया था, और लोग देखने वाले भी हैं माशाल्लाह वहाँ पर जी, तो हम ज़रूर अटेंड करेंगे और हम आए जी। और आने के बाद यहाँ पर जो महसूस किया है वो वही है कि एक जन्नत का इस दुनिया में मज़ा आ रहा है जो कि तसव्वुर किया जा सकता है। तो कौन सी एक खास चीज़ आप यहाँ से लेकर के जा रहे हैं जो औरों को भी बांटेंगे? देखिए, मोहब्बत, अखलाक, किरदार, खिदमत खल्क, सेवा जी, दूसरे की आप किस तरह से मदद कर सकते हैं, आप दूसरे के लिए कितना वक्त निकाल सकते हैं, अपने में कितनी रूहानियत आप पैदा कर सकते हैं, बुराइयों से कितना गुरेज कर सकते हैं जी, अच्छाइयों की तरफ कितना बढ़ सकते हैं,
कहने का मकसद ये है कि एक इंसान को एक इंसानी जामे में आने में दिक्कतें हो सकता है आएं, लेकिन धीरे 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 जब उसकी तरफ वो रागिब होता जाएगा तो उसमें वो समा जाएगा जी। सम हो जाएगा और एक फरिश्ता तो नहीं हो सकते लेकिन एक अच्छा इंसान इंसान जरूर बन जाएगा। आप अपना क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे ब्रह्मा कुमारियों को? देखिए आज भी मैंने दादी जानकी के लिए उनकी तवील उम्र की और सेहत की दुआ की कि वो एक जो इंस्पिरेशन हैं वो बरकरार रहे आइंदा के लिए। अभी 137 मुल्कों में ये हैं, पूरा ग्लोबल हो जाए और यही इनकी जो एक मुहिम है ये चलती रहे, कायम होती रहे, जुल्म सितम ख़त्म होता रहे, मोहब्बतें बढ़ती रहें, इनको और तरक्की मिले, इनके साथ और लोग आएं और अच्छे किरदार पैदा होता रहे और माहौल अमन व अमान का कायम रहे। जी 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 जी, बहुत सुंदर आपने शुभ संदेश दिया है विद्यालय के लिए। आपसे बातचीत करके नवाब साहब बहुत आनंद आया। आपने बहुत गहराई से धर्म और अध्यात्म को, उसकी आवश्यकता को, उसे जीवन में लाने की जो बात हम सबके सम्मुख रखी है, सचमुच हृदय को छूने वाली, और हमारे सभी दर्शक जरूर इन पे अमल करेंगे। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, किसी ने बहुत सुंदर फरमाया है कि मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू है दोनों इंसान, आ मैं तेरी गीता पढ़ लूँ तू पढ़ ले मेरी कुरान। सब जगह ज्ञान सुंदरता से बिखरा हुआ है, आवश्यकता है एक दूसरे को अच्छी तरह जानने की, समझने की, और इनके मूल में यदि जाएं तो जैसे नवाब साहब भी कह रहे थे, इस्लाम के मूल में शांति है, सद्भावना है, प्रेम है, भाईचारा है, और उस चीज़ की आवश्यकता है, और ईश्वर हमें इसी रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि जितनी भी उनकी रचना है, चाहे वो अलग अलग धर्मों का लिबास पहने हुए हों, लेकिन है तो परमात्मा अल्लाह की संतान है ना, और वो चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे आपस में हिल मिल करके रहें, प्रेम से रहें, और जब आपस में यही मेल मिलाप, यही सद्भावना, यही प्रेम हो, तभी तो ये संसार जन्नत होगा, और उस जन्नत का नज़ारा नवाब साहब ने यहाँ आकर के देखा है। क्यों ना इसे हम सारे संसार तक पहुँचाएँ। जब रूहानियत, अध्यात्म हमारे जीवन में उतरता है तो ये जो बाउंड्रीज हैं शरीर की है वो टूट जाती हैं, धर्म की हैं वो टूट जाती हैं, और जैसे हम सब में एक स्वरूप देखना शुरू कर देते हैं। तो हम सब इसी रूप में अपने आप को देखें कि हम सब गाते भी तो हम रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, हमेशा हम ये कहते हैं, क्यों ना इस भाईचारे को एक होकर दिखाएं और इसी एकता को सारे संसार तक एक संदेश के रूप में पहुंचाएं। इसकी मित्रों बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और ये संभव हो पाता है एक रूहानी और आध्यात्मिक ज्ञान से। तो आध्यात्म की ओर एक कदम बढ़ाएं और अपने जीवन में सरलता, सादगी, प्रेम और शांति को भरते हुए इसे ही सारे समाज में फैलाएं। एक नए मेहमान के साथ पुनः आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।